अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूँ आप लोग का दोस्त टेक्नोलॉजी मास्टर। दोस्तों, लेबर कोर्ट से एक नया खबर आया है, एक नई अपडेट आई है जो कि खुशखबरी का खबर है लेबरों के लिए। एक खुशखबरी का खबर है जो कि कोई भी कपील अगर अपने मज़दूरों को तनख्वाह नहीं देता तो उसके बारे में ये खबर है। तो दोस्तों, अगर आप लोग की भी तनख्वाहें कपील के पास है तो 3 से ज़्यादा तनख्वाहें अगर आप लोग के कपील के पास हैं तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आप लोग को वो तरीक़ाकार बताएंगे जिससे आप अपने कपील से तनख्वाहें ले सकते हो आसानी के साथ। ये लेबर कोड की नई हुक्म जारी किया है लेबर कोड ने, नई अपडेट है जो कि आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि ये नई खबर लेबर कोड से क्या है, सऊदी अरब से ताज़ा तरीन खबर। तो दोस्तों, इस हेडलाइंस में लिखा है लेबर कोड का मेहनताना की अदायगी में टाल मटोल पर 4 मिलियन जुर्माना। तो दोस्तों, मेहनताने का मतलब है कि अगर कोई लेबर कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि अगर कोई भी जो जो तनख्वाही में लेबरों की तनख्वाहों में टाल मटोल करेगा, तनख्वाही नहीं देगा टाइम पर, तो उसको जुर्माना किया जाएगा। तो इसकी तफसीलात में क्या लिखा है नीचे आप लोगों को बताते हैं। लेबर कोर्ट रियाज ने मेहनताने की अदायगी में टाल मटोल करने वालों पर 4 मिलियन रियाल का जुर्माना कर दिया। ये जुर्माना कानून मेहनत की दफा 94 के मुजब किया गया है जिसमें खबरदार किया गया था कि अगर कोई कपील या निजी इदारा अपने कारकुनान की तनख्वाहों में बिला वजह ताहीर करेगा तो इस पर जुर्माना किया जाएगा। अदालती उमूर की माहरीन ने इस फैसले का तजिया करते हुए कहा कि रियाज लेबर कोर्ट ने ममलकत के तमाम इलाकों में कायम निजी इदारों और उनको अमली पैगाम दे दिया है कि अगर उनकी जानब से अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में बिला वजह ताहीर हुई आनाकानी का मुजाहरा किया गया तो वो कानून के गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। कानून मेहनत की दफा 94 में तहरीर है कि अगर अदालत में ये बात साबित हो जाए कि अजर ने मुकर्रर वक्त पर अजीर को उसका मेहनताना अदा नहीं किया, उसका इसके पास कोई जवाज़ भी नहीं था, तो ऐसी सूरत में उस पर कारकुन की तनख्वाह से दुगना जुर्माना होगा। ये जुर्माना फरोग अफराद कौत फंड में जमा किया जाएगा और इस रकम से निजी इदारों में सऊदी शहरियों की रोज़गार के हराजात पूरे किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस सारी तफसीलात का मतलब ये है कि अगर आप लोग का कपील भी आप लोग को तनख्वाह ही नहीं देता तो आप लोग लेबर कोर्ट में केस दाखिल कराए और आपने केस को चलाए। अगर आप लोग केस जीत जाते हो तो आप लोगों को तनख्वाहें मिल सकेंगी। तो दोस्तों, ये नया कानून है लेबर कोर्ट का जो कि आप लोगों की तनख्वाहें अपने कपील से आसानी के साथ ले सकते हो, लेकिन तनख्वाहों की मुद्दत जो है वो 3 है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की भी 3 तनख्वाहों से ज़्यादा अपने कपील के पास है तो आप लोग लेबर कोर्ट में जाके उधर अपना दरख्वास्त रजिस्टर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी वो खबर जो कि आप लोग के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।